अब हो गई मैं बिल्कुल रेडी। हेलो सुन, मैं 15 मिनट में तेरे घर के नीचे आ रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जा, आज आगे वाली रो में बैठेंगे दोनों। ठीक है, बाय बाय। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रही हो? पापा, आपको पता नहीं है क्या, आज इंडिपेंडेंस डे है, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लाल किले पर परेड देखने जा रही हैं। जल्दी जा रहे हैं ताकि आगे वाली रो में सीट मिल सके। अरे बेटा, इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया से बाहर आओ और अपना दिमाग किताबों में लगाओ। जब पता चलेगा कि परेड इंडिपेंडेंस डे के दिन नहीं, रिपब्लिक डे के दिन होती है, 26 जनवरी को। क्या आज के दिन परेड नहीं होती? हेलो सुन, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, पापा बता रहे हैं आज के दिन परेड नहीं होती। हाँ ये सही रहेगा, तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं 10 मिनट में तेरे घर के नीचे पहुंच रही हूँ, ठीक है? अरे बेटा, अब कहाँ जा रहे हो, अब तो परेड भी नहीं है। वो पापा, हमने सोचा हम रेडी तो हो ही गए हैं, तो क्यों ना सीपी जाकर तिरंगे के साथ रील्स बना ले, आज तो भीड़ भी कम होगी। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। पतंगे 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 ले ले 10 की 4 पतंगे। आगे ये मार्केट में सबसे सस्ती सबसे बढ़िया पतंगी, जो कटेगी नहीं कभी भी, चाहे आ जाए कितनी भी आंधी, ले ले पतंगे पतंगे 10 की 4 पतंगे। भैया बढ़िया बढ़िया पतंग दिखा दो। आओ आओ आओ, ले लो ले लो ले लो। भैया वैसे हम मॉल क्यों नहीं गए शॉपिंग के लिए? हाँ भैया, इससे अच्छा तो ज़ारा ही चले जाते, आजकल ना सेल भी चल रही है। या ये सब चीजें ज़ारा के शोरूम पे थोड़ी मिलेंगी, ये तो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है, ये एडिडास या नाइकी के शोरूम पे मिलेगा। अरे चुप हो जाओ, साउथ एक्स की राजकुमारी हो, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, मॉल में कौन पतंग बेच रहा है? भैया तुम तो चुप ही रहो, हमेशा सड़ते रहते हो। भैया आप अच्छी अच्छी पतंग दिखाओ, अच्छी वाली दिखाना। हाँ दीदी, ये देखिए आप, पतंग ही पतंग है। ये पेपर की गाइड, आपको बताना कितने ट्रीज कट होते पेपर बनाने के लिए है? हाँ भैया, कुछ इको फ्रेंडली दिखाओ ना। मैडम जी, ये पतंग की दुकान है, या कोई खाद गमले नहीं बेच रहे हैं, जो इको फ्रेंडली दिखाओ, लेने लो वरना आगे जाओ। अरे अरे भैया, आप तो नाराज हो गए। कोई नहीं, आप पतंग दिखाओ भैया, इनको बोलने दो, तो पागल है। दिखाओ भैया, ये देखे मैडम। भैया किसी और कलर की दिखाओ ना। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखिए। हाँ भैया, वो बेबी पिंक कलर की दिखाना, और वो ग्रीन वाली भी, ये वाली तिरंगे वाली, वो वाली, ये वो भी अच्छी लग रही ना, ये छोटा भीम, ये तो मेरी, ये वाली मेरे टॉप की मैचिंग की है, ये बॉयफ्रेंड के लिए सारी ले लेते हैं। ये देखिए पान बाहर मसाला, ये देखिए एकदम आर पार दिख जाए, जिसके बादल दिखेगा इसके पीछे से, बादल दिखेगा। बस दीदी, ये आखिरी पतंग है मेरी दुकान पे, और नहीं दिखा सकता। भैया मजा नहीं आया, कुछ और पतंग दिखाओ ना। अरे बहन क्यों पागल कर रही है, सुबह सुबह ले लेना कोई सी पतंग। तू चुप हो जा, हमें लेने दे अपनी पसंद की। ब्लैक इज माय फेवरेट। और मांझा? नहीं नहीं भैया, आज के दिन मैं गांजा नहीं फूकूंगी। अरे मांझा बोल रहे हैं वो, गांजा नहीं, हर वक्त नशे के लिए रेडी रहती है। ओ अच्छा अच्छा, भैया दिखाओ ना मांझा, दिखाओ ना, बहुत सारे कलर्स में दिखा दो। ये देखो मैडम, ये कांच वाला है, और ये चाइना वाला, और ये छी, आपको शर्म नहीं आती क्या? आप तो देशद्रोही निकले भैया, आप तो गद्दार भी निकले। अरे लेकिन मैंने क्या किया? सारा देश चाइना के वायरस से परेशान है, सबने चाइना को बायकॉट किया हुआ है, और आप चाइनीज मांझा बेच रहे हो, हैशटैग शेम ऑन यू। अरे दीदी, इसका नाम है चाइनीज मांझा, आप ये कांच वाला ले जाओ। नहीं नहीं भैया, इससे मेरा हाथ कट जाएगा। ओए मां। मैडम ये वाला? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो वाला। ठीक है मैडम, अभी देता हूँ। और एक चढ़खड़ी, ये वाली भी भैया, एक ये वाली दे दो, एक वो वाली, वो ब्लू वाली दे दो, वो देखना भीम वाली कितनी अच्छी लग रही है यार, भीम तो मेरा फेवरेट, और वो येलो वाली, भैया ये दिखाओ, भैया वो वाली दिखाना, भैया वो वाली, भैया ये वाली, भैया कुछ यूनिक सा नहीं है क्या? भैया वो वाली। कितने पैसे हुए भैया? मैम 500 रुपए।
₹500 लूट मचा रखी है क्या भैया? ये सब पतंग तो ₹15 में आ जाती है। पकड़ो अपनी पतंग, चलो हम कहीं और से ले लेंगे। गुची के शोरूम पे चलते हैं, वहां से ले लेंगे। 2 घंटे बर्बाद कर दिए और ₹1 का सामान लेकर नहीं गई। आजकल की लड़कियां ये। तुम लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। अरे यार भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? पतंग तो हम ले आए हैं, लेकिन उड़ाना तो उसे ही आता था ना, और कन्ने बांधने भी नहीं आते हमें तो। अरे यार इतनी सी बात, तुझे नहीं पता क्या आजकल YouTube पे ना बेबी से लेकर के बॉम्ब बनाने तक के सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। चल उस पे देखते हैं। दिखा दिखा। आगे का पोर्शन छोटा रखना था, तू क्या कर रही है? नहीं, YouTube वाले लड़के ने बोला था कि आगे का मांजा थोड़ा लंबा रहेगा और पीछे से शॉर्ट। अरे नहीं, फ्रंट का शॉर्ट करना था। ये क्या किया तूने? लगता है अब हम पतंग उड़ा ही नहीं पाएंगे कभी। यार अब हमारे पास एक ही रास्ता है भाई। Hey guys, happy Independence Day guys, और ये है मेरा आज का OOTID। OOTID? OOTD होता है ना वो तो, आउटफिट ऑफ द डे। अबे तो आज फिर आउटफिट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे होगा ना, OOTID। पूरी वीडियो खराब कर दी, अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। देखो मेरी पतंग कहाँ जा रही है, इतनी दूर आसमान में। ऐसा लग रहा है कि आज एस्ट्रोनॉट से ना टकरा जाए। वो देखो मेरी पतंग। अबे यार क्या कर रही है, ऐसे तो सबको पता चल जाएगा ना कि मैं पतंग नहीं उड़ा रही हूँ। उसको मत दिखा, बस मुझे दिखा। गाइस देखो मैं पतंग उड़ा रही हूँ। तो अपनी स्कूटी से लोग उड़ाती है, वो कम था क्या जो पतंग उड़ाएगी? बकवास मत कर, तू मुझे पतंग दे उड़ाने के लिए। मेरा हाथ कट गया। भैया ये कौन सा मांजा था जो मेरे हाथ कट गया? ये चाइना वाला मांजा है, सबसे बेस्ट होता है ये। नहीं नहीं पतंग को नीचे उतारो और थोड़ा कम स्ट्रांग वाला मांजा यूज करो। एक काम कर, अपनी उंगली पे ये टेप लगा ले, ठीक है? नहीं नहीं मैं ये टेप नहीं लगा सकती, मैंने कल ही तो मैनीक्योर पेडीक्योर करवाया है और आज ही मैंने मैचिंग नेल पेंट भी लगाई है। ले अब मांजा भी बदल गया और पतंग भी उड़ गई, ले उड़ा ले। ये तो कच्चा है, इसको तो कांच वाला मांजा बोलते हैं पागल। कांच वाला? भैया आप मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो, मुझे टेटनेस का इंजेक्शन लगवाओगे क्या? उतारो इसे नीचे, कोई हल्के वाला बांध दो। रुक जाओ उतार रहा हूँ अभी। ये ले सबसे हल्का, उड़ा ले पतंग। क्या कर रहे हो, सिंपल वाला मांजा क्यों नहीं लगा रहे हो? मांजा पागल, ये तो सद्दी है, इससे सिंपल धागा तो कोई होगा भी नहीं, और इससे तेरी उंगली कैसे कट सकती है? क्या भैया आप बहस मत करो मुझसे, आपको क्या पता मेरे हाथ कितने सॉफ्ट और सेंसिटिव है। नीचे उतारो इसे नीचे और कोई हल्के वाला बांध दो। एक काम कर, सुई धागे वाला ना डब्बा लिया, उसमें जो धागा होता ना उससे उड़ा के दूंगा तेरे को। आजकल पतंग उड़ाने दोगे या मम्मी को बुलाऊं? अब तो बस एक ही तरीका बचा है। क्या? तो तेरा भाई सबकी पतंग काट
भाई मुझे भी देना पतंग उड़ाने के लिए। ले उड़ा ले। गई 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 भाई जल्दी संभाल। ओह बच गई, ऊपर आ गई। देना अब तो दे दे। बच गई, दोबारा से बच गई। भाई फिर से दे देना। ला दे दे। ले, ले। ओ, भाई गई 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 गई। ये पागल ऊपर ही तोड़ दिया है। कहाँ गई? ये तो नहीं। उड़ा। ओ, भाई गई 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 गई। अरे पागल अभी करने तो बांधने दे, पहले गई 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 कर दिया धागा लेके। पागल है क्या? Hey guys! अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें संजाली का ब्लॉग। और गाइज हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय।